शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड नाउ स्टार्ट। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग विद हार्डी, थॉमस हार्डी को लेके बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट थॉमस हार्डी देन रिमेम्बर दैट कि हार्डी का जो टाइमिंग है 1840 से लेके 1928, फ्रॉम 1840 टू 1928। नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट हार्डी ही वाज बोर्न इन 1848 इन अ स्मॉल हैमलेट। जो एक वर्ड हैमलेट होता है, एक तो कैरेक्टर का नाम है, लेकिन हैमलेट जो है उस चीज को कहा जाता है जो गांव का एक छोटा, विलेज जैसा ना हो, गांव का एक छोटा सा हिस्सा जो बहुत ज्यादा विलेज का स्ट्रक्चर ना ले पाया हो, जिसको हिंदी लोग कहते थे पुरवा टाइप का। पुरवा का मतलब ये होता है कि गांव का एक छोटा सा हिस्सा जो एक एक जहाँ पे बहुत कम आबादी हो, उसको भी जो है क्या कहा जाता है, एक हैमलेट वर्ड यूज किया जाता है। स्पेलिंग वही है, कैरेक्टर हैमलेट की ही। तो हार्डी जो थे कहाँ पैदा हुए थे, ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल हैमलेट। इन अ स्मॉल हैमलेट ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल हैमलेट ऑफ हायर बॉकहैम्पटन, ऑफ हायर बॉकहैम्पटन, BOCK, बॉक हैम्पटन, HAMPTON। हायर बॉक हैम्पटन नियर द ईस्ट ऑफ डॉर्सेस्टर इन डॉर्सेट, नियर द ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट। दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर कि ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल हैमलेट ऑफ, तो एक तो 1840, दूसरा 1928, और ये पार्टिकुलर चीज इंडिकेट करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज अ पोएट ही ब्रिजेस विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, विक्टोरियन और मॉडर्न एज को कवर करते हैं। अ वेल नोन नॉवलिस्ट, रीजनल नॉवलिस्ट, अ पार्टिकुलर रीजन जहाँ सेटिंग उनका वेसेक्स है, वो जो है क्या थे कि इफ आई यूज द वर्ड रीजनल नॉवलिस्ट के अलावा ही वॉज अ पोएट आल्सो, जिन्होंने लव पोएम्स भी लिखा है, वार को लेके, डेथ को लेकर के, वेरियस कलर्स ऑफ लाइफ को लेकर के ही हैज रिटन। अब सवाल ये उठता है कि उनका जो जन्म हुआ 1840 ईस्वी में हुआ, कहाँ पर हुआ, इन अ स्मॉल हैमलेट ऑफ हायर बॉक हैम्पटन, HIGHER, हायर बॉक हैम्पटन, नियर द ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट, नियर द ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट इंग्लैंड में, और ये कहीं और नहीं बल्कि कहाँ पे है, दैट इज इंग्लैंड, इफ आई राइट इट हियर। तो पहला पॉइंट आपको पता चला, 1840 में पैदा हुए हैं, 1928 में उनकी मौत हुई है, जगह का क्या नाम है, हॉयर बॉक हैम्पटन नियर द ईस्ट ऑफ डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट, जो कहाँ पर है, जो कि इंग्लैंड में है। जो उनके फादर थे उनका भी नाम जो है क्या था कि टॉमस हार्डी ही था, हिज फादर्स नेम वाज टू वाज टॉमस हार्डी, यू फाइंड दैट। एंड फादर उनके एक वायलिनिस्ट और बिल्डर थे। तो रिमेम्बर दैट कि नेक्स्ट पॉइंट, हिज फादर्स नेम टू वॉज, नेम टू वॉज
थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी, कामा वॉज अ, नॉट वॉज अ बट सीधे अ वायलिनिस्ट, VIOLINIST, अ वायलिनिस्ट एंड अ बिल्डर। यू फाइंड दिस पॉइंट कि ये चीज रहा है और उनकी जो माँ का नाम था लेमिमा हैंड था, हिज मदर वॉज लेमिमा हैंड। हिज मदर वॉज लेमिमा हैंड, LEMIMA, लेमिमा हैंड। दिस इज द नेम ऑफ हिज मदर एंड नेक्स्ट पॉइंट, हार्डी हैड लव अफेयर हार्डी हैड लव अफेयर विद टाइफिना स्पार्क्स, टाइफिना TYPHEN, टाइफिना TYPHENA, स्पार्क्स SPARKS। तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि उनके जो फादर रहे हैं, हिज फादर नेम वॉज थॉमस हार्डी। ये चीज आपको ध्यान में रखना, अ वेरी कॉमन पॉइंट कि अक्सर ये देखा जा रहा है जो राइटर हम पढ़ रहे हैं जो उनका नाम है लगभग वही उनके फादर का नाम रहा है, या तो उसके साथ सीनियर वर्ड यूज किया गया या कुछ और। यू कैन जस्ट सी गार्ल्सवर्दी का फादर का भी सीनियर जॉन गार्ल्सवर्दी, ऐसे ही जॉन मिल्टन में भी आपने देखा था। तो सो मेनी थिंग्स यू फाइंड एंड द सेम थिंग यू फाइंड हियर कि इनके भी फादर का क्या नाम रहा है। थॉमस हार्डी रहा जो एक वायलिनिस्ट थे और साथ ही साथ बिल्डर थे। ये चीज तो नहीं पूछा जाना कि वायलिनिस्ट थे बिल्डर थे, मुझे नहीं लगता इतना इस तरह के हल्के क्वेश्चन बनेंगे, बट एक सेंटेंस लिखा जा रहा तो ये बता दिया जा रहा। उनकी जो मदर थी उनका क्या नाम था, लेमिमा हैंड, LEMIMA, लेमिमा हैंड, दिस इज द नेम ऑफ अ मदर। उनकी जो अफेयर था टाइफिना स्पार्क्स से था। दिस 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 इज द पॉइंट यू फाइंड कि ही हैड अफेयर हु विद हुम, ही हैड अफेयर विद टाइफिना स्पार्क्स। तो दिस इज द पॉइंट विच यू सी, बट उनका जो मैरिज हुआ था, यू विल कम टू नो कि उनकी जो मैरिज हुई थी दैट वाज द इम्मा लेविनिया गिफर्ड से हुआ था, इम्मा लेविनिया गिफर्ड, दिस इज द पॉइंट, ये पूछा जा चुका है। और इसी इसी मैरिज को लेकर के इम्मा लेविनिया गिफर्ड को उन्होंने लेकर के वाइफ की मेमोरी में द वाइस नाम का उन्होंने एक ब्यूटीफुल पोयम भी कंपोज किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ही मैरिड डोंट नो व्हाट है क्या चीज, क्या मोबाइल है, मोबाइल खोला रहता है, नहीं उसको वहीं रख दो। तो यू यू विल कम टू नो कि ही मैरिड एंड ही मैरिड विद हुम ही मैरिड, द नेम ऑफ दैट इज व्हाट, द नेम ऑफ दैट इज इम्मा लाविनिया गिफार्ड, इम्मा लाविनिया गिफार्ड, इम्मा लाविनिया गिफार्ड, गिफार्ड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इम्मा लाविनिया गिफार्ड,
ही इज फेमस एज अ रीजनल नॉवलिस्ट ही इज फेमस एज अ रीजनल नॉवलिस्ट तो यू फाइंड या वेर इज इट रिटन ही मैरिड के ऊपर जो ये वाला पोर्शन है दैट इज यहाँ नाउ तो व्हाट डिड आई टेल यू आई जस्ट टोल्ड यू कि ही मैरिड विद हुम ही मैरिड इम्मा लाविनिया गिफोर्ड इन 1874। ये जो मैरिज हुआ था कब हुआ था मैं फिर से वो करूं कि एक्चुअली आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड विद दैट फ्लाइट कि ही मैरिड विद इम्मा लाविनिया गिफोर्ड इम्मा लाविनिया गिफोर्ड इन 1874 इन 1874 एंड रिमेम्बर दैट कि सेम ईयर जो 1874 का टाइम है सेम ईयर उनका जो नॉवेल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड सेम ईयर हिज नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश्ड The title of this novel has been taken The title of this novel has been taken from the poem Elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard. Next point. His wife Gifford tried to stop the publication of Jude the Obscure. Someone has not muted. Yeah, please mute. Jude the Obscure. एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है Jude the Obscure. Which she thinks to be immoral. Which she thinks To be immoral.
इट वॉज सेड दैट इट हैज ऑब्सिनिटी, इट वॉज बैंड फॉर सम टाइम। यू विल कम टू मोर नो कि मैं स्लाइड को बैक कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि उनका जो मैरिज हुआ था, ही मैरिड विद इम्मा लाविनिया गिफार्ड इन 1874। ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि उनका जो मैरिज हुआ था किससे हुआ, इम्मा लाविनिया गिफार्ड से 1874 में। उसी साल जो है उनका एक नॉवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड पब्लिश होता है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और इसका जो क्वेश्चन पूछा गया कि फार फ्रॉम द जो मैडिंग क्राउड है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो यू विल कम टू नो कि द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दूसरा चीज, उनकी जो वाइफ रही है, हिज वाइफ गिफॉर्ड ने खुद कोशिश ये किया था कि उनका एक नावल है कि उस पब्लिश ना हो, उस नावल का नाम है जूड द ऑब्स्क्योर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें इमोरैलिटी है। एक चीज उन्होंने देखा, पब्लिशर ने या बाद में उस पर बैन लगा दिया गया। क्यों बैन लगा दिया गया, कि उसमें ऑब्सिनिटी थी। इमोरैलिटी और ऑब्सिनिटी लगभग ये बेस बना उस पर बैन लगाने के लिए, इमोरलिटी और ऑब्सिनिटी है। इट वॉज बैंड फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए उसको बैन किया गया था। सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, उनका कौन सा नावल बैन किया गया, जूड द ऑब्स्क्योर। नंबर वन क्वेश्चन, क्यों बैन किया गया, उस नावल में इमोरलिटी रही है या ऑब्सिनिटी रही है। और उनकी वाइफ ने खुद ये चीज कहा कि मतलब शी ट्राई टू स्टॉप दैट दिस नॉवल शुड नॉट बी पब्लिश्ड बिकॉज शी फाउंड, व्हाट शी फाउंड दैट इट हैज इमोरैलिटी और ऑब्सिनिटी। लेटर ऑन इट वाज बैंड बिकॉज इट हैज ऑब्सिनिटी उस समय के लिए। दूसरा चीज, उनकी एक और नॉवल जो 1874 ईस्वी में आती है, जब उनकी शादी होती है उस समय जब आती है, और वो नॉवल का जो टाइटल है उसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो टाइटल है कहाँ से लिया गया है, एक पोयम है टॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। और उस पोयम में ये चीज कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस पोयम की टाइटल को ले करके जो नावल लिखा गया उसमें बताया गया कि जो शहरों की भीड़ है जहाँ पे मैड पीपल रहते हैं, वी फाइंड अनरेस्ट एंग्जाइटी मटेरियलिस्टिक लाइफ, द पीपल डोंट हैव एनी हेल्दी रिलेशन, दे डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म, लव अफेयर ब्यूटी जेनरोसिटी, वी डोंट फाइंड दैट ऑल। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हट करके वी शुड ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन रिमोट एरिया आर इन द विलेजेस ऑफ इंग्लैंड। तब उन्होंने वहां पर बात की और उन्होंने देखा कि जो प्रॉब्लम, जो पैरासाइट शहर में है, वही परजीवी गांव में भी आहिस्ता आहिस्ता पैर पसार रहा है। तो ये बात उन्होंने वहां पे दिखाई है, चाहे वो जो है गैब्रियल ओक कैरेक्टर रहा हो, चाहे बाथशेबा रही हो, या और भी कोई कैरेक्टर रहे हो, उसको लेकर के उन्होंने फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में बताया। उसके पहले मैंने आपको बताया तो उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनकी अपनी जो बिलव्ड थी, कहाँ पैदा हुए। और इसके अलावा मैंने ये बताया था कि वो एक रीजनल नावलिस्ट है। आपको पहले ऑलरेडी डिफाइंड कि रीजनल नावल इज अ टाइप ऑफ नावल इन विच देर इज अ यू फाइंड व्हाट यू फाइंड कि दैट द नावल हैज इट्स सेटिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। बहुत सिंपल सी बात है कि द नावल हैज इट्स सेटिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया इन अ पार्टिकुलर रीजन एंड अबाउट दैट एरिया अबाउट दैट रीजन द राइटर नरेट्स द मैनर एटीट्यूड वे ऑफ लिविंग क्लाइमेट सो मेनी थिंग द राइटर टेल्स अबाउट दैट लोकेलिटी आर द मैनर ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर। सो उसको बाद में उस चीज को बताते बताते हुआ उसको आइडियलाइजेशन। सर गई रेशमा, हाँ उसने उस तो यू विल कम टू नो कि वहां पे वो चीज उसको देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में
यू विल कम टू नो कि वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी फाइंड, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी फाइंड कि उन सब चीजों को उसने वो किया हुआ है। अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट विच यू हैव टू कवर, या अनदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट विच यू हैव टू टेक, दैट इज वॉट कि वेन यू टॉक अबाउट दिस मैन देन रिमेम्बर दैट ही वॉज फेमस एज अ पोएट आल्सो। लेकिन अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे, हम ये चीज केवल जनरल चीजें कि उनका अपना क्या रहा है। तो एक पॉइंट तो ये कि उनके अपने जो नावेल है उस नावेल में उन्होंने एक पार्टिकुलर रीजन, तो आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ हिज नावेल डील्स विद अ पार्टिकुलर रीजन रीजन दैट इज वेसेक्स, दैट इज हमें आई और उससे करके लिखना चाहिए था, दैट इज वेसेक्स, WESEX, दैट इज वेसेक्स, वेसेक्स रहा है। और ये जो वेसेक्स रहा है ये कहीं और नहीं बल्कि जो आपका रीजन ऑफ डॉर्सेस्ट शायर जहां वो पैदा हुए थे उसी रीजन को ही उन्होंने लेकर के वो किया हुआ है। तो वेसेक्स और रीजन ऑफ डॉर्सेस्ट शायर, जो जो वो रीजन उन्होंने लिया हुआ है डॉर्सेट शायर को लेकर के उन्होंने बात बात किया हुआ है। दिस इज द थिंग विद दैट जहां पे ही वाज बॉर्न। सो यू विल कम टू नो कि उनके जो नावेल का जो सेटिंग है या वो वेसेक्स में है, वेसेक्स तो एक उसका अगर मैं कहूँ कि एक बदला हुआ नाम है, वेसेक्स डज नॉट मीन कि दैट इज एन इमेजिनरी लैंड, वह रियली में है और वो चीज रियल में किसको उन्होंने जहाँ पे ही वॉज बॉर्न और उसका क्या नाम है डॉर्सेट शायर। तो डॉर्सेट शायर रियल नेम है और उस चीज को उन्होंने वेसेक्स के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की जो हार्डी का जो वर्क है वो वर्क काफी ज्यादा मायने रखता है बिकॉज ही ब्रॉट सम न्यू थिंग्स इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है इन स्पेशली ड्रामा में, लिरिकल ड्रामा उन्होंने लिया और नावल में उन्होंने रीजनल नावल को लिया, पोइट्री में लव पोएम वार को भी उन्होंने बात किया हुआ है। और इनके इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए 1910 में, इन 1910 ही गॉट, इन 1910 ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट, द ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन 1910 ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनको 1910 ईस्वी में क्या मिलता है ऑर्डर ऑफ मेरिट मिलता है। तो यू फाइंड दैट कि 1910 ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट। दूसरा चीज की हार्डी की जो पहली वाइफ रही है, मतलब जो एक उनकी मौत 1914 में होती है और उनकी मौत के बाद उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से जिसका नाम था फ्लोरेंस इमाइली टुडेल वो उससे वो शादी करते हैं और वह उम्र में उनसे 39 ईयर्स जूनियर थी। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 1910 में ही मैरिड, इन 1910 सॉरी नॉट मैरिड, ही गॉट व्हाट पुरस्कार, ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये उनको जो है मिलता है, ही गॉट द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1910 में। दूसरा चीज इन 1912 एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है कि इन 1912 1912 ईस्वी में यू कम टू नो कि हार्डी जो है इन 1912 हिज फर्स्ट वाइफ डाइड डाइड आफ्टर इट ही मैरिड विद हिज सेक्रेटरी।
नेम्ड, विधि सेक्रेटरी नेम्ड फ्लोरेंस इमाइली डुगडेल, फ्लोरेंस इमाइली इमाइली डुगडेल, फ्लोरेंस इमाइली डुगडेल 39 ईयर्स जूनियर टू हिम। जूनियर टू हिम 39 ईयर्स जूनियर टू हिम। तो यू विल कम टू नो कि 1912 ईस्वी में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि हिज फर्स्ट वाइफ डाइड, और उसके बाद वो दोबारा मैरिज करते हैं। किससे करते हैं? अपनी सेक्रेटरी से। एंड जो उनका सेक्रेटरी रही उसका नाम क्या था? फ्लोरेंस FLORENCE इमाइली EMILY डुगडेल DUGDALE। 39 ईयर्स जूनियर टू हिम, जो उससे किससे 39 ईयर्स जूनियर रही हैं। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। ही हिमसेल्फ डाइड इन 1928, और उनकी मौत पर ये चीज कहा गया कि ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस एंड ही बरीड वेर इन वेस्ट मिंस्टर एबे। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। इन 1928 ही डाइड एंड बरीड इन वेस्ट मिंस्टर अबे। वेस्ट मिंस्टर अबे फुल स्टॉप। ऑन हिज डेथ क्रिटिक्स सेड द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन, सेड ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस। सो यू यू जस्ट फाइंड इट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक तो 1928 में उनकी मौत हुई है, कहाँ पे दफन किए गए? वेस्ट मिंस्टर अबे में दफन किए गए। क्रिटिक्स ने कहा ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन। दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियन। एक जो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इन 1895 ही गेव अप टू राइट नॉवेल इन 1895 ही गेव अप टू राइट नॉवेल 1895। क्या मैंने गलत लिखा है क्या? 1895 ही लिखा हुआ है। दिस इज द स्लाइड। 1895 इन 1895 ही गेव अप टू राइट नॉवेल। ये चीज ध्यान में रखिएगा, उन्होंने अपना कार्यर नॉवेलिस्ट के रूप में शुरू किया था, बीच में उन्होंने उस पर ब्रेक लगाई। ही गेव अप टू राइट नॉवेल एंड टुक टू पोइट्री एंड टुक टू पोइट्री। एक और चीज जो है ध्यान में रखना है कि उनके दोस्त थे हैरेस माउली, हिज फ्रेंड
हैरिस माउले, एच ए आर ए सी, हैरिस माउली, एम ओ यू एल ई, एम ओ हिज फ्रेंड हैरिस माउले, एम ओ यू एल ई, उनके जो दोस्त थे हैरिस माउले, यू विल कम टू नो इनका सब बहुत ज्यादा असर था उनके ऊपर। हैरिस माउले लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हार्डीज माइंड, लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हार्डीज माइंड। ये एक और इम्पोर्टेंट, हिज फ्रेंड होरेस, यू विल कम टू नो कि उनके जो फ्रेंड हैं जिनका क्या नाम है, होरेस माउली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने उनकी जिंदगी पे बहुत गहरा असर डाला। हिज फ्रेंड हैरिस माउली, एच ए आर ए सी, हैरिस माउली, एम ओ यू एल ई वाई, लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हार्डीज माइंड। और एक क्रिटिक है रिचर्ड ब्लैकमर, रिचर्ड ब्लैकमर ने कहा कि हार्डी वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज। ये पॉइंट मैं यहां लिखवाना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिक रिचर्ड ब्लैकमर, क्रिटिक रिचर्ड ब्लैकमर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी, हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज, ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज, ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडियाज, यू विल कम टू नो, यह एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जो उनके बारे में कहा गया, ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी विद आइडिया, उन्होंने अपनी भावनाओं को जो है, अपनी भावनाओं को अपने विचारों से क्या किया, एक तरह से वो किया, मतलब ही वायलेटेड हिज सेंसिबिलिटी, उन्होंने अपनी भावनाओं का वायलेशन किया, इमोशंस का, फीलिंग्स का, जज्बात का, उतना ज्यादा उन्होंने कदर नहीं किया जितना कि उनके अंदर जो विचार थे विद आइडियाज, नए विचार, नई चीजों को उन्होंने लिया देने की कोशिश की। एक ये बात किसने की, रिचर्ड ब्लैकमर नाम के क्रिटिक ने, इट हैज बीन सेड बाय हुम, इट हैज बीन सेड बाय रिचर्ड ब्लैकमर, ये बात उन्होंने हार्डी के बारे में कही है। हार्डी जो थे वो, अगर बात मैं कहूं कि वो जो है अपना करियर एक तरह से एक नावलिस्ट के रूप में ही शुरू करते हैं, चूंकि बड़ा उनके साथ होता, उसी समय में स्टोरीज भी उनकी आती है, उसी समय स्टोरीज भी आती है, तो वी फाइंड दैट कि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था, और वो आर्टिकल उनका चैम्बर और मैगजीन, चैम्बर एंड मैगजीन करके एक जर्नल आता था, उसमें पब्लिश हुआ था 1865 में। तो वी विल कम टू नो कि हार्डी का क्या नावेल है, और नावेल के साथ साथ उनका अपना वर्क क्या है, वो सब चीजें। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ नॉवलिस्ट, बट सेम टाइम वी फाइंड हिज स्टोरीज, हिज स्टोरीज आल्सो। सो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ नावलिस्ट, लेकिन उनका स्टोरीज भी उस समय आपको देखने को मिलेगा, ये पॉइंट रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन वी टॉक अबाउट, तो हार्डी का एक आर्टिकल आता है जहां से वो शुरू करते हैं, हार्डी रोट एन आर्टिकल हार्डी रोट एन आर्टिकल
इनटाइटल्ड। हार्डी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था चैम्बर एंड मैगजीन, CHAMBER, चैम्बर एंड मैगजीन, MAGAZINE, चैम्बर एंड मैगजीन। हार्डी रोट, ओ गलत होगा, हार्डी रोट एन आर्टिकल इनटाइटल्ड, दिस पार्टिकुलर इनटाइटल्ड, मैं यहां से बता रहा हूँ, ये वो मैगजीन है जिसमें वो पब्लिश हुआ था उसका, बट इनटाइटल्ड जो है उसका नाम है हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। दिस इज द नेम ऑफ द आर्टिकल, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस, दिस इज द नेम ऑफ द आर्टिकल। एंड यू विल कम टू नो कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जिस मैगजीन में पब्लिश हुआ है उस मैगजीन का क्या नाम है, चैम्बर एंड मैगजीन उसका नाम था, और ये कब पब्लिश हुआ है, 1865 में। आपको इसको करेक्ट करना है, उन्होंने जो है क्या किया कि एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का नाम है हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। दूसरा चीज, ये कब पब्लिश होता, किसमें पब्लिश हुआ, चैम्बर एंड मैगजीन में पब्लिश होता है 1865 में। इस तरह से उनकी शुरुआत होती है राइटिंग की। और यू विल कम टू नो कि हार्डी के जो नावेल हैं और जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसका क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया जा सकता है, या उसको हम देख सकते हैं, उनके नावल को तीन कैटेगरी में रखा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके, हिज नावेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, हिज नावेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज कैन बी डिवाइडेड डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला जो हिस्सा है उसका नाम है नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, यह एक पहला पॉइंट है, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट कितने हिस्सों में बांटा गया, थ्री पार्ट्स में। पहले पार्ट को क्या कहा गया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है उसका क्या नाम दिया है, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। एंड ये जो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर और इन्वायरमेंट है, इसमें जो जो नॉवेल आए हुए उसको आपको एक सीरियल से लिखना होगा। नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट में सबसे पहला अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इट केम इन 1872, 1872, अंडर द ग्रीन वुड ट्री 1872। तो रिमेम्बर दैट कि ये जो आया हुआ कब आया हुआ, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, इट केम इन इट, और इसमें भी अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इट केम इन 1872। नंबर टू, इसी ग्रुप में एक दूसरा जो नावेल है जिसका नाम है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इट केम इन 1874, तीसरा द रिटर्न ऑफ द नेटिव ऑफ द नेटिव एटीन सेवेंटी एट,
चौथा द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज आई डी जी, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886। नेक्स्ट द वुडलैंडर्स एटीन एटी सेवन। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ द डी उर्बोफिल्स एटीन नाइनटी वन। नेक्स्ट जूड द ऑब्स्क्योर, जूड द ऑब्स्क्योर 1895। सो यू कम टू नो कि ये चीजें क्या रही है। ये पूरा एक है जो आपने ध्यान में रखना, द वुड लैंडर्स 1887, टेस्ट ऑफ द डी अर्बरवाइज 1891, जूड द ऑब्स्क्योर 1895, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874, द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878, द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज 1886। सबका डेट इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो दूसरा ग्रुप आया था, जो उनका दूसरा ग्रुप है उसका नाम है रोमांसेस एंड फैंटेसीज करके, वो उसका क्लासिफिकेशन है। सेकंड का रोमांसेस, रोमांसेस एंड फैंटेसीज, फैंटेसीज इसमें जो रहा है, सबसे पहला अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, अ पेयर ऑफ ब्लू आईज 1873, दूसरा द ट्रम्पेट मेजर 1880, द ट्रम्पेट मेजर 1880, द वेल बिलव्ड थर्ड, दिस इज द वेल बिलव्ड द वेल बिलव्ड द वेल बिलव्ड का आई डोंट हैव डेट। कुछ ऐसे हैं जिनके डेट नहीं है, इफ यू फाइंड तो आप स्पेस करके उसको नोट कर लीजिएगा वहां पर। मैं यहाँ पे ब्रेकअट कर दे रहा हूँ। तो जो रोमांसेस हैं उनमें से पेयर ऑफ ब्लू आईज, द ट्रम्पेट मेजर 1880, द वेल बिलव्ड, ये रहा। इसके अलावा दो और रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स टू ऑन अ टार, जो इसी का हिस्सा, फोर्थ एंड फिफ्थ। या मैडम आई टोल्ड कि उसका डेट नहीं है मेरे पास, अगर आप देखिएगा मिलेगा तो नोट कर लीजिएगा, या मुझे चेक करना पड़ेगा। इधर और भी कुछ ऐसे हैं जिनके डेट मेरे पास नहीं है। द वेल बिलव्ड नेक्स्ट है, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स, अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स पांचवा, टू ऑन अ टार, टू ऑन अ टार
दीज थिंग्स वी फाइंड, इसका भी डेट और इसका भी डेट आपको नोट करना है. दीज थिंग यू हैव टू रिमेम्बर टू ऑन अ टार. क्या टू ऑन अ टार जो लास्ट सेक्शन है वो जो है क्या होगा, नॉवेल्स ऑफ इंजीनिटी. नॉवेल्स ऑफ इंजीनिटी, आई एन जी ई एन यू आई टी वाई. या इसी का एक, इसी में जो एक आया था डेस्परेट रेमेडीज, डेस्परेट रेमेडीज. थर्ड थर्ड सेक्शन डेस्परेट रेमेडीज. डेस्परेट रेमेडीज या आई विल टेक ओनली वन मिनट. 1891 में ये जो आया हुआ, कब आया, 1891 में आया हुआ है डेस्परेट रेमेडीज. एंड सेकेंड है इसी के समय द हार्ड ऑफ इथेल बर्टा. द हार्ड ऑफ इथेल बर्टा द हार्ड ऑफ इथेल बर्टा इट केम इन 1876. लास्ट है अलायोडिसियन. एटीन एटी वन. नोट ऑल दिस पॉइंट्स, वी विल मीट इन द इवनिंग.